कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 20 5G। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ए फोन है या आप ए फोन खरीदने के लिए जा रहे हो, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आप लोग बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे, सारे फीचर्स के बारे में जान पाओगे। कई बार आपके फ्रेंड यूट्यूब देखने के लिए आपके फोन लेता है और जब तक आप उसके पास रहते हो वो YouTube देखता है। बाद में आप जब चले जाते हो YouTube को क्लोज करके गैलरी का फोटो वगैरह देख लेता है, लेकिन आपका भाई है ना, अभी से ऐसा नहीं होगा। उसके लिए सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आने के बाद नीचे में एडवांस ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आओगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऐप पिनिंग, इसको ऑन कर देना। जब आप YouTube देखने के लिए फोन दे रहे हो, YouTube तो ऑन कर लेना। रिसेंट मेनू में आने के बाद YouTube आइकन के ऊपर टैप करके पिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, पिन के ऊपर टैप कर देना है। जब ऐप पिनिंग ऑन हो जाएगा, कोई भी बंदा अगर YouTube देख रहा है ना, वो YouTube से बाहर ही नहीं आ पाएगा। किसी भी सिचुएशन में वो बाहर नहीं आ सकता है, और नहीं तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर वगैरह चेक कर पाएगा। इसको बंद करने के लिए दो फिंगर से इस तरीके से टैप कीजिए, लॉक स्क्रीन आ जाएगा, पासवर्ड डालिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। कई बार आप फोन रख कर चले जाते हो और आपके फ्रेंड आकर बहुत सारे एप्लीकेशन चेक कर लेता है, लेकिन इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा सकते हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर आने के बाद सिक्योरिटी के अंदर आने के बाद यहाँ पे ऐप लॉक दिखाई देगा। यहाँ पे आके पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट कीजिए, जो पासवर्ड आपको पसंद है। उसके बाद स्किप वगैरह करने के बाद जो सारे एप्लीकेशन को आपको लॉक करना है, जैसे कि गैलरी को मुझे लॉक करना है, मैंने लॉक कर दिया हूं। अभी देखिए, जब भी मैं गैलरी ओपन करने जाऊंगा यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। आप जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे गैलरी ओपन ही नहीं होगा। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, फिर भी जो डार्क मोड है वो बहुत बढ़िया है। इस साइड से स्वाइप करोगे नोटिफिकेशन पैनल से आप लोग डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो, या तो आप लोगों को सेटिंग के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आने के बाद डार्क थीम दिखाई देगा, यहाँ पे आके आप डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर्स है, आपके बैटरी लाइफ को भी बचाता है। मैं ज्यादातर टाइम डार्क मोड को यूज करता हूँ। डार्क मोड शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को डार्क मोड चाहिए। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आ जाना, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर हाई रिफ्रेश रेट दिखाई देगा, यहाँ पे 120 हर्ट्ज को इनेबल कर देना। ऑटो में रहता है, ऑटो में थोड़ा सा लैग जिटर वगैरह होता है, लेकिन जब आप लोग 120 हर्ट्ज इनेबल कर दोगे, स्मूथ 120 हर्ट्ज एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। इन्फिनिक्स का जो यूआई है वो उतना अच्छा नहीं है, तो उसके वजह से कई बार लैग वगैरह दिखाई देता है। स्वाइप करने के टाइम थोड़ा सा स्लो स्वाइप होता है, लेकिन इसको आप बहुत ज्यादा फास्ट भी कर पाओगे। सेटिंग के अंदर आ जाना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आने के बाद थोड़ा नीचे यहां पे आप लोगों को दिखाई देगा अल्ट्रा टच। इसके अंदर ये जो स्वाइप स्पीड है इसको अल्ट्रा फास्ट कर देना, मोशन स्पीड को भी आप लोग यहां पे फास्ट कर देना। काफी जल्दी जल्दी एप्लीकेशन वगैरह भी ओपन होगा और स्वाइप वगैरह भी काफी जल्दी जल्दी होगा। होम स्क्रीन में नीचे से टू फिंगर से स्वाइप करोगे ना, तो यहाँ पे हाइट एप्लीकेशन खुल के आता है। ये जो स्वाइप अप टू फिंगर है, इसका जो सेटिंग्स है, इसको आप हाइट ऐप में ना रखकर बहुत सारे आदर्श फीचर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए होम स्क्रीन में टैप करके रखिए, नीचे में मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जेस्चर सेटिंग दिखाई देगा। ये जो स्वाइप अप टू फिंगर है, यहाँ पे हाइट एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे वॉइस सर्च या नोटिफिकेशन बार या ऑल ऐप या नन, आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। इसी हिसाब से स्वाइप अप ऑन लॉन्चर, यहाँ पे पिन आउट विद टू फिंगर, जैसे कि पिंच आउट करने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन हो जाना चाहिए और मुझे गैलरी ओपन होना चाहिए। टू फिंगर से अगर आप लोग पिंच आउट करोगे तो यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स दिया गया है। जब आप लोग किसी भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो तो बढ़िया है, लेकिन जब आप बाहर आ जाते हो, रैम में ये एप्लीकेशन रन होता रहता है, बैकग्राउंड में डाटा भी खर्चा करता रहता है और बैटरी भी ड्रेन करता है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे फ्रीजर का एक ऑप्शन दिया गया है। मान लो कोई भी एप्लीकेशन का आपको उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ऐड में आने के बाद यहाँ पे फेसबुक को ओके कर देना। आप कुछ भी ओके कर सकते हो। यहाँ पे ओके करने के बाद देख लीजिए, फेसबुक यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। अब ये जो फेसबुक है, ये बैकग्राउंड में नहीं तो डाटा एक्सेस करेगा, नहीं तो बैटरी ड्रेन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, टोटली फ्रीज हो जाएगा। जब तक यहाँ पे आके आप लोग अनफ्रीज नहीं करते हो, तब तक यार ये फ्रीज ही रहेगा। नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पे देख लीजिए, येलो कलर एक राउंड रिंग दिखाई दे रहा है, इसको रिंग लाइट भी कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इसको बहुत आसानी से इनेबल कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक में जाके ये जो रिंग रिंग एप्लीकेशन है इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद इस तरीके कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। ये जो मूवमेंट स्पीड है इसको बढ़ाकर आप इस साइड में भी लेकर आ सकते हो और इस साइड में भी लेकर आ सकते हो। आपको जहां पे ज्यादा पसंद है वहां पे इसको पोजिशन कर सकते हो। कलर में आने के बाद सिंगल कलर या आप लोगों को ग्रेडियंट कलर पसंद है, सब कुछ कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो बहुत आसानी से, और कूल लगता है देखने में। इस फोन में गूगल
डायलर नहीं है, उसके वजह से कोई भी कॉल को बहुत आसानी से रिकॉर्ड कर पाओगे, अगले वाले पर्सन को पता नहीं चलेगा। उसके लिए डायलर के अंदर आ जाना है। यहाँ पे सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, इसको इनेबल कर देना। जब भी इसको इनेबल करोगे कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक उसके ऊपर फ्लैश फॉर कॉल्स दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा ना बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप करना शुरू कर देगा। व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आ जाता है लेकिन कोई भी बंदा अगर डिलीट वगैरह कर दे मैसेज उसको चेक नहीं कर पाओगे, या व्हाट्सएप में किसी भी स्टेटस 24 आवर्स के बाद आप लोग चेक नहीं कर पाओगे, लेकिन वो सब कुछ पॉसिबल है इस फोन में। उसके लिए सेटिंग के अंदर आने के बाद स्पेशल फंक्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ दिखाई देगा, उनमें से एक फीचर है सोशल टर्बो, यहाँ पे आके स्टार्ट कर देना। आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरा अभी नहीं है, फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या फीचर्स है। ये जो वॉइस चेंजर, किसी भी बंदे को वॉइस चेंज करके कॉल कर सकते हो, लड़की के आवाज में, बच्चे के आवाज में, बहुत आसानी से आपके दोस्त को उल्लू बना सकते हो। लेकिन यार इसको गलत वे में इस्तेमाल मत करना। वीडियो ब्यूटी का ऑप्शन दिखाई देगा, व्हाट्सएप में कोई भी बंदा अगर कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, ब्यूटी मोड भी इनेबल कर पाओगे, आपके फेस को अच्छा लगेगा। पिक मोड का एक ऑप्शन दिया गया है, इसको इनेबल करके रखोगे व्हाट्सएप में कोई भी बंदा अगर आपको मैसेज भेजता है कई बार वो डिलीट कर देता है, इसको इनेबल करने के बाद डिलीटेड मैसेज को भी बहुत आसानी से चेक कर पाओगे। स्टिकर मेकर का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे इन्फिनिक्स का खुद का स्टिकर मेकर है, यहाँ पे आके बहुत सारे स्टिकर को आप सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप स्टेटस को 24 आवर्स के बाद भी अगर आप देखना चाहते हो या दिखना चाहते हो सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली क्लीन है 1 month 3 month सब कुछ बहुत आसानी से ओके करके रख देना, सब कुछ बहुत आसानी से आपके हिसाब से स्टेटस को मैनेज कर पाओगे। व्हाट्सएप में जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आता है बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है उसको भी ब्लिंक अप करवा सकते हो, यहाँ पे सोशल टर्बो के अंदर फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन इसको इनेबल कर देना। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो को भी इनेबल कर पाओगे, देख लीजिए कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो 3 finger से अगर आप स्वाइप अप करोगे देख लीजिए फ्लोटिंग विंडो इनेबल हो गया है, यहाँ पे आके बहुत आसानी से छोटा सा स्क्रीन में यूज कर पाओगे। कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लो ये हमेशा पी नहीं रहेगा, इसके ऊपर टैप करोगे तो बड़ा हो जाएगा, 3 dot के ऊपर टैप करोगे छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे इस साइड से टैप करोगे तो बड़ा स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये बंद रहता है, इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर स्पेशल फंक्शन के अंदर जो मल्टी विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आके स्वाइप अप विद 3 finger इसको इनेबल कर देना। आपके फोन में 4GB का रैम है लेकिन उसको और भी बढ़ा सकते हो, वर्चुअल रैम जिसको कहा जाता है। सेटिंग के अंदर आने के बाद सेम स्पेशल फंक्शन के अंदर यहाँ पे मेम फ्यूजन दिखाई देगा, यहाँ पे आके इनेबल कर देना, 1GB बढ़ा सकते हो। अगर आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे सेट वर्चुअल रैम के ऊपर टैप करके 3GB ओके कर देना, और यहाँ पे मॉडिफाई करोगे तो एक बार फोन रिस्टार्ट हो जाएगा, आपका जो रैम है वो 4GB से 7GB हो जाएगा। गेम मोड का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ पे इसको इनेबल कर देना। जब भी गेम वगैरह खेल रहे हो उस टाइम नोटिफिकेशन या कॉल वगैरह मैसेजेस वगैरह बहुत कुछ आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन को डुअल एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए सेटिंग के अंदर फिर से आप लोगों को स्पेशल फंक्शन के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्स क्लोन दिखाई देगा, यहाँ पे आके जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उसको डुअल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं फेसबुक को क्रिएट कर दिया हूँ, थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 Facebook हो गया है। तो इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। यूट्यूब का प्रीमियम फीचर्स इस फोन में फ्री में मिलता है। मान लो यूट्यूब में कोई भी गाना वगैरह आप सुन रहे हो, जैसे कि ये गाना मैं सुन रहा हूँ, अगर इस साइड से स्वाइप करोगे ना तो एक देख लीजिए एक साइड बार खुल के आएगा और यहाँ पे दिखाई देगा प्ले इन द बैकग्राउंड, इसको इनेबल करोगे जो यूट्यूब का वीडियो है वो आप स्क्रीन ऑफ कर दोगे लेकिन ऑडियो की तरह बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ये यूट्यूब का प्रीमियम फीचर्स है जो इन्फिनिक्स आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। इस फोन में मैसेज ट्रांसलेट का एक बहुत बढ़िया फीचर्स दिया है। सेटिंग के अंदर आ जाना है, स्पेशल फंक्शन के अंदर आना है, मॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आने के बाद इसको इनेबल कर देना। हाउ इट्स वर्क इसके ऊपर टैप करोगे कैसे काम करता है उस तरीके से दिखाई देगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 options है सोशल ट्रांजेक्शन, मान लो व्हाट्सएप में या मैसेंजर में किसी को आप मैसेज सेंड कर रहे हो, आप एक लैंग्वेज में टाइप करना, उसको टैप करके सिलेक्ट करोगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर टैप करोगे और टैप करने के बाद जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो डायरेक्टली उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। फेस टू फेस ट्रांसलेट, जैसे कि व्हाट्सएप में वॉइस रिकॉर्डिंग होता है ना, वैसे ही वॉइस का एक सिंबल दिखाई देगा, उसके ऊपर टैप करके जो भी बोलोगे वो लैंग्वेज में बदल देगा और जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो बहुत आसानी से उसको ट्रांसलेट भी कर पाओगे। इन्फिनिक्स का ये बहुत बढ़िया फीचर्स है। स्पेशल फंक्शन के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है, जैसे कि एक्शन एंड जेस्चर्स के अंदर आओगे यहाँ पे क्विक स्टार्ट दिखाई देगा, यहाँ पे कैमरा, यूट्यूब म्यूजिक या यहाँ पे नन दिया गया है, आप ऑन करके ना यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, पहले आप लोगों को ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन में जाके मैं एक एप्लीकेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग होगा उसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा बहुत सारे एप्लीकेशन। मैं प्ले स्टोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऑन रहने देता हूँ।
स्पेशल फंक्शन के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। एक्शन एंड जेस्टर्स के अंदर आओगे, टैपिंग वाइक दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है ऑन हो जाएगा, और होम स्क्रीन में यहाँ पे डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वो बंद हो जाएगा। सेम उसी तरीके से फ्लिप टू म्यूट, कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको इनेबल कर देना, और थ्री फिंगर से बहुत आसानी से आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देख लीजिए स्क्रीनशॉट हो गया है। रेस टू एयर का ऑप्शन है, कोई भी बंदा कॉल कर रहा है फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। स्पेशल फंक्शन के अंदर असेंबिलिटी के अंदर असेंबिलिटी मेनू दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। यहाँ पे देख लीजिए टॉप अप जैसा खुल के आएगा, इसके ऊपर टैप करोगे तो डायरेक्टली यहाँ से ही पावर ऑफ कर सकते हो, रिसेंट ऐप में जा सकते हो, लॉक स्क्रीन कर सकते हो, ब्राइटनेस हाई कर सकते हो, ब्राइटनेस लो कर सकते हो, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, बहुत कुछ का शॉर्टकट दिया गया है, यहाँ से बहुत आसानी से मैनेज कर पाओगे। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स है, इसके अंदर आओगे यहाँ पे देख लीजिए रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, अगर करना चाहते हो इनेबल कर देना। अगर टच शो करवाना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हो, इसको इनेबल कर देना। फ्लैश लाइट का एक बहुत बढ़िया फीचर्स है, नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जो फ्लैश लाइट है इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ से देख लीजिए 360 फ्लैश लाइट को इनेबल कर पाओगे, यानी कि बैक साइड में और फ्रंट साइड में एक साथ फ्लैश लाइट को इनेबल कर पाओगे। अगर आप चाहते हो सिर्फ फ्रंट साइड में फ्लैश लाइट इनेबल करना तो टैप करके यहाँ पे फ्रंट फ्लैश लाइट कर दीजिए, देखिए फ्रंट में फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में यहाँ पे थेफ्ट अलर्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इनेबल कर देना। और यहाँ पे आप लोगों को फिंगरप्रिंट टच करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट में टच करूं देख लीजिए थेफ्ट अलर्ट इनेबल हो गया है। बेसिकली पब्लिक प्लेस में अगर फोन में चार्ज में लगाते हो या कहीं भी आप लोग चार्ज में लगाते हो, जब चार्जर से फोन को डिस्कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि चार्जर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। सेम उसी तरीके से पिक प्रूफ का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसको इनेबल करोगे तो देख लीजिए कुछ जगह में हाईलाइट हो गया है और बाकी जगह में देख लीजिए डार्क हो गया है। अगर आप पब्लिक प्लेस में हो और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हो एक ही पोर्शन में तो थेफ्ट अलर्ट को इनेबल करना, बाकी सारे डार्क हो जाएगा, जिस पोजीशन में आप देख रहे हो वो सिर्फ दिखाई देगा। इस फोन में स्प्लिट स्क्रीन को भी इनेबल कर सकते हो, उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन आप लोगों को ओपन कर लेना है, रिसेंट मेनू में आने के बाद कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर दीजिए, यहां पे देख लीजिए स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, टैप करके एक साथ दो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। मैं यहां पे एक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं, ऊपर में YouTube प्ले हो रहा है और नीचे में देख लीजिए प्ले स्टोर ओपन है। तो इस तरीके से डुअल ऐप को एक ही स्क्रीन में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहां पे बटन यूज कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है, उसको भी इनेबल कर पाओगे। सेटिंग के अंदर आने के बाद सिस्टम के अंदर आ जाना, यहां पे आप लोगों को सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पे आके जेस्चर्स इनेबल कर देना, जो बटन है वो गायब हो जाएगा। स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में चले जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे रिसेंट मेनू में आओगे, इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा और इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी यहां पे बैक होगा। वाईफाई के अंदर बहुत बढ़िया फीचर्स है, वाईफाई के अंदर आ जाना, देख लीजिए एक वाईफाई से कनेक्ट है, उसके ठीक नीचे यहां पे वाईफाई परफॉर्मेंस दिखाई देगा। बेसिकली जब भी आप इसमें सिम इंक्लूड करोगे, मेरा अभी सिम नहीं है तो इसीलिए ये दो ऑप्शन ऑफ है, जब सिम डालोगे ये दो ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहां पे है ऑटो स्विच टू मोबाइल डेटा, इसको इनेबल करोगे आपके वाईफाई का स्पीड थोड़ा सा स्लो है, ऑन करोगे ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा में स्विच कर देगा। आस्क बिफोर स्विचिंग इनेबल करोगे तो स्विच करने से पहले आपसे परमिशन मांगेगा। उसके ठीक नीचे यहां पे टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली, मान लो आपके घर में वाईफाई है और उसमें कनेक्टेड थे लेकिन आप बाहर गए थे, जब आप घर के आसपास आओगे ऑटोमेटिकली वाईफाई ऑन होके कनेक्ट हो जाएगा। इस फोन में फोकस मोड देखने को मिलता है, लेकिन वो हाइट सिचुएशन में रहता है, उसको इनेबल करना पड़ता है। पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करोगे, नीचे की तरफ बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा, फोकस मोड को टैप कर देना प्लस में, ऊपर में आ जाएगा। ये जो फोकस मोड है ये बहुत सारे लोगों के काम में आता है, सबसे पहले तो यहाँ पे फोकस मोड को इनेबल कर देना है। फोकस मोड के अंदर चले जाओगे, जो सारे एप्लीकेशन का ज्यादा नोटिफिकेशन वगैरह आता है, मैं YouTube को सिलेक्ट करके यहाँ पे टर्न ऑन कर देता हूँ। जब भी किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल करोगे ना, वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो वो एप्लीकेशन ओपन होगा और नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। ऑफिस के टाइम में कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है, इस तरीके से फोकस मोड को आप इनेबल कर सकते हो। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो, उसके लिए सेटिंग के अंदर आ जाना है। डिजिटल वेलबींग के अंदर आने के बाद डैशबोर्ड दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाना है और थोड़ा नीचे की तरफ आओगे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। मैं यूट्यूब को ले लेता हूं, यहां पे जो ऐप टाइमर है ना, मैं 30 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे जब टाइमर सिलेक्ट करोगे कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइम तक, पर्टिकुलर उसी टाइम तक वो एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, उससे ज्यादा यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जब तक यहां पे आके टाइमर को डिलीट नहीं करते हो तब तक वो एप्लीकेशन को बाद में यूज नहीं कर पाओगे। आप लोगों को ये सारे फीचर्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक के साथ साथ आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले ये सारे फीचर्स के बारे में। और हां, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी
दबा देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।